वर वधू चिरंजीवी सास ससुर कुछ पड़ोसी राजी तो हम डबल राजी। दोस्तों बेलन एक ऐसा यंत्र है जो रोटी को गोल और आदमी को सीधा कर देता है, समझे? तो गेस्ट रूम अलग और बैठक अलग है, ये फैमिली की बैठक है। भैया कुछ नहीं। हाँ बताए ना। व्यापारी था, इसको कहते हैं पटवों का हवेली। जो पटवा होता है वो किसी का भी जाति नाम नहीं होता है, पटवा उसको बोलते थे जो राज परिवार के लिए ज्वेलरी बनाने का काम करते थे, हाथों से मोती खोने का काम। और हवेली का मतलब होता है बड़ा मकान, या तो राजा का होता था या फिर व्यापारी। तो राजा का मकान होता है उसको लोग बोलते हैं पैलेस या महल, और जो व्यापारी का मकान होता है ना उसको कहा जाता है हवेली। ये पाँच हवेलियाँ एक ही लाइन के अंदर बनी हुई, जिन्होंने इस हवेली को बनाया है उसका नाम था गुमान मन माखना। तो पटवा जी के पांच बेटे हो गए, पांच बेटों के लिए पांच हवेली बनवाते, और समय लगा इस हवेली को बनने में 60 साल, 60 ईयर्स। कहीं पर भी चूना पानी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया था, रेंट वगैरह नहीं होती थी ना पहले के टाइम में। सोना चांदी डाल दिया इसके अंदर और पत्थर को कर दिया स्लाइड, स्लाइड होकर पत्थर यहाँ पर फिट हो गया, इसके ऊपर पेंटिंग तस्वीर लगा दिया, ऐसा लगता दीवार जैसी दीवार बनी हुई, और जानबूझ के मेन गेट के पास में बनाया है। चोर भी चोरी करने आएगा अंदर जाके देखेगा। डालते हैं भागी से बांधते हैं, फिर उसके ऊपर कलर सूखता है ना, तभी बांधने का सामने वाला जैसे में स्टार्टिंग है बांधने का सामने भेजिए सारी मामला 150 नंबर मारा का मॉडल होल्डिंग साइकिल कैसे आती थी? जहाज से आती थी, अमेरिका से आती थी। साइकिल फोल्डिंग साइकिल और 40 सीट भी है यहाँ पे तो, और ये हमारा बेबी ऑटो चल ऑटो रिक्शा चलाना है जिसको। हाँ ना ओपन टू स्काई OTS ओपन टू और क्या सही है बढ़िया। देखना इस चौरस बट्टी देख लो व्हाइट वाली जो हाथी की दांत की बनी हुई है, जिससे बच्चे को नजर नहीं लगती है। अच्छा गणपति जी और ऐसे झुक के यार ना गणपति जी सामने ऐसे झुक के जा रहे हैं ऐसे उनका पंडा में जाओ आ जाओ और इसमें रूम के अंदर 200 तोला सोना यूज किया हुआ है। 200 रुपए जी को जी ये का गोल्ड बच्चों की होगा
ना यहाँ पर ना हमने घर पे 6 इंच का लगा है, इन्होंने 12 इंच का 1 फीट का लगा लगभग। तो हम पहुंच गए अब ओपन किचन। अरे वाह, अच्छा घर के मेहमान आते थे यहाँ पर चाय नाश्ता का पूछते थे और पानी का नहीं पूछते थे। यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, पहले टाइम में कोई लड़ी की शादी होती थी तो उसकी शक्ल सूरत या दहेज के हिसाब से नहीं होती थी, वो गड़ी से तालाब से कितना पानी भर के अपने घर पे लेके जाती है। स्टेमिना जो लड़की ज्यादा पानी लाती थी उसकी शादी यहाँ पर जल्दी होती थी और अच्छे ग्राउंड है, इतनी दिक्कत यहाँ पर पानी। सही बात है। अभी आपकी हो गई? नहीं, किसी को पॉज करके पढ़ना उस पर हम भी घर पे जाके पढ़ने लगता है। कई भैया अच्छे बता रहे हैं। तो ये केर ओ हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो बीबी, हाथ पकड़ो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाथ पकड़ के आ जाओ। ये केरोसिन स्टोव, ये वाला नूडल्स मशीन है बड़े भैया बनाने के लिए। हां भीड़े भीड़े सर चीला है चार्ज के लिए, और वो लड़ी का सबसे बड़ा लेमन जूस है। पीना इसको, इसको चार्ज ज्यादा नहीं, इसको पानी पिला दो। बेलन जो है ये कहां तुमने? किचन बन गया, खाना हो गया, अद्भुत साइड में हो जाओ। अरे तो निकल गया, नीचे बैठ के खाते हैं ना अपन, नीचे जेंट्स के लिए, सामने वाली साइड में लेडीज के लिए। अच्छा यहाँ की बता थी ना, अलग बैठ के खाना खाते हैं। बराबर रखा हुआ है, ग्लास का बना हुआ आइस बॉक्स है, लंच सामने जो किचन बना है। नीचे गया था बहुत ही अच्छा, बड़े अच्छी वीडियो बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा है। देखो जब भी आप आते हो ना तो आप गाइड को करते हो ना, मान लो तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं बिना उसके। एक्चुअली निखिल चंगानी जी अपने पुष्करणा ब्राह्मण के, अभी शादी नहीं हुई, शादी भी नहीं हुई अभी, बस शादी करने वाले लायक है 24 साल के हुए। अपन गेस्ट थे और अपने लिए रूम आ गया, गेस्ट रूम। ये गेस्ट रूम, ये पुराने सोफे, ये गादी भी तो की है बड़ी, वो सही लग रहा है। सोफे ये इनके खास मेहमानों के लिए होता था, सोफा टेबल नहीं चांदी का है लग रहा है। धन्यवाद, थैंक यू। ये क्या है? बैठक। बैठक तो गेस्ट रूम अलग और बैठक लगे, ये फैमिली की बैठक है। चौपड़ चौपड़ क्या बोलते हैं ऊपर वाला सफर दास की बनी हुई और लाइन घोटिया है, बुढ़ा तो बुढ़े क्या काम है, तो बधिर क्या काम है। ज्वेलरी होती है जयपुर की, उदयपुर की पेंटिंग, जैसे मेरे को खाने में घुटवा लड्डू और कपड़ा और हीम जो आता अफगानिस्तान से। यहाँ पर क्या क्या देख लिया आपने, नीचे क्या क्या थे अपने घर में मिसिंग? सब तो आ गया, लिविंग हो गया, ड्राइंग हो गया, बैठक लिविंग रूम हो गया, हाँ किचन हो गया, किचन हो गया, डाइनिंग हो गया, मुनीम का घर नहीं, चैम्बर नहीं है, मुनीम का चैम्बर भी अपना जो केबिन है वो भी तो है अपने पास केबिन। ओ वाओ, वो सब कुछ हो गया है तो वाओ, हमारी हवेली है। आप लोगों के घर में एक्स्ट्रा क्या है बताएं हमें। चल ये हवेली का बैक है, वर वधु चिरंजीवी सास ससुर खुश पड़ोसी राजी तो हम डबल राजी। दोस्तों बेलन एक ऐसा यंत्र है जो रोटी को गोल और आदमी को सीधा कर देता है, समझे? सगो जी मांझो, मांझो राजा, सगी जी चंदी चंद्रोणी, जय श्री पूरे मोरो दोमो जी रे दोई। इसका मतलब जी बताइए। लाइक सगा जी मतलब संधि, संधि संधि जी है राजा, संधन जी है चंद्रोणी, चांद जी चांद की रानी है, जय श्री कृष्ण पूरे मारो दमाद्री जीरी धोनी। जी पता नहीं दमा जी धोएंगे अरे अब तो करो यासे।
Thank you.